कूदे जो पीएससी मा होगे बवाल। दिन रात पढ़ना है मचावो धमाल। काम पर ले थसरे टेंशन, अरे काम पर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते घर में धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। हमारी जो टॉप एमसीक्यू सीरीज टारगेट ऑन प्रीलिम्स की जो सीरीज चल रही है, उसके माध्यम से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अनुसार हम संपूर्ण सिलेबस आपको करवा रहे हैं। इस संपूर्ण सिलेबस की श्रृंखला में जो हमारा विषय चल रहा है वह है भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास के क्रम को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय इतिहास में हमने प्राचीन भारत को देखा और प्राचीन भारत में शासन करने वाले राजाओं के बारे में और अलग अलग वंश के बारे में, डायनेस्टीज के बारे में भी समझा, और कैसे उसके प्रश्न आते हैं उसे भी हम लोग समझते चल रहे हैं। अगर आप इस सीरीज को प्रॉपर अगर देख रहे हैं, प्रॉपर अगर नोट्स बना रहे हैं, तो यहां पर आपको पूरा सिलेबस तो करवाया जा रहा है, साथ ही साथ जो वहां से प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपको बताए जा रहे हैं, और आगे चलकर कैसे प्रश्नों का निर्माण हो सकता है ये भी एक संभावित प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये चीजें जो हैं हम कुछ जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें हम कर चुके हैं, और उसी टॉपिक को हम लोग अब आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने देखा भारत में जो प्राचीन भारत चल रहा था, एंशिएंट इंडिया, उस एंशिएंट इंडिया में गुप्त काल का शासन चला, और गुप्त काल के बाद या गुप्त वंश के बाद आपको कोई बड़े राजवंश नजर नहीं आएंगे। प्राचीन भारत में गुप्त वंश के पतन के बाद, डिक्लाइन होने के बाद, बहुत ही छोटे छोटे राजवंश आपको दिखेंगे, और पूरा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, छोटे छोटे साम्राज्य यहां पर रहेंगे, और यही मौका होगा कि भारत में विदेशियों का आक्रमण, फॉरेन इन्वेडर्स भारत में आना चालू होंगे। और भारत में इसी कारण से मुस्लिमों का आक्रमण होता है। यह मुस्लिम आक्रमण शुरुआत में तो अस्थायी रूप से होंगे, परंतु धीरे धीरे भारत में जब वो देखते हैं कि भारत तो क्या है, कि सोने की चिड़िया है, यहां के राज्यों में सोने चांदी की कमी नहीं है, अर्थव्यवस्था देखते हैं तो बहुत ही उन्नत है, संस्कृति के मामले में भी हम देखें तो वैदिक काल से चली आ रही हूं संस्कृति भारत के पास पहले से थी, तो ये सब कुछ चीजें थी जो विदेशियों को आकर्षित करती, और यहां पर मुस्लिम आक्रमण होने चालू हो गए। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग आज पढ़ेंगे, और प्रश्नों के माध्यम से आज दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हम करेंगे। दिल्ली सल्तनत को जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों को जानना होगा कि कैसे दिल्ली साम्राज्य की स्थापना हुई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और कैसे यहां पर अलग अलग वंश आए। तो इससे पहले हम थोड़ी भूमिका यहां बांध लें, और भूमिका बनते ही जैसे अलग अलग आक्रमणकारी आए उनके बारे में जानेंगे, और कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हुए उसे भी हम समझेंगे, क्योंकि आज से आप देखेंगे कि जो वर्ष वाले इंपॉर्टेंट जो टाइमलाइन है, डेट, वो आपको मिलने चालू हो जाएंगे कि कौन सा युद्ध कब हुआ उसे हम देखते चलेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं एक पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कहां हुआ और कब हुआ। क्लियर है? तो यहां पर पैगंबर मोहम्मद के जन्म की अगर बात करें तो उनका जन्म होता है 570 ईस्वी में।
पैगंबर मोहम्मद को याद इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्होंने ही 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा की, मक्का से मदीना की यात्रा की और इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कहलाए, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक और इस्लाम धर्म की शुरुआत इन्होंने ही की। क्लियर यहां तक चीजें? अब यही हम देखते हैं, जब इस्लाम का उदय होता है, इस्लाम का उदय होता है तो इस्लाम से बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ते हैं और इसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार अरब देशों में होता है और वहीं से कहानी शुरू होती है जब भारत में पहला अरब आक्रमणकारी भारत में आएगा। तो यहां पर हमें देखने मिलेंगे, अगर आक्रमणकारियों की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले अरब आक्रमणकारियों के बारे में जानना है, अरब आक्रमणकारी के बारे में जानेंगे। अरब आक्रमणकारी के बाद हम देखेंगे तुर्की आक्रमणकारी, तुर्की इन्वेजन, तुर्की आक्रमण के बारे में। क्लियर है? तुर्की इन्वेजन, इनके बारे में समझेंगे। इन अरब आक्रमणकारियों में मोहम्मद बिन कासिम आएंगे, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होगा, साथ ही साथ तुर्की आक्रमणकारियों में आपको दो लोग देखने मिलेंगे, एक होगा महमूद गजनवी और दूसरा हमें मिलेगा मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। क्लियर है? तो यहां पर अरब आक्रमणकारियों में हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक, अभी ये जो शासक अभी जिनके नाम लिखा हूं ये अस्थाई रूप से आक्रमण करेंगे और धीरे धीरे स्थाई होंगे और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं भारत की तो उस समय भारत की सीमा कुछ इस प्रकार से हुआ करती थी, यानी भारत के क्षेत्र में यह आपका जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र देखते हैं वह भी यहां पर शामिल था, मतलब हम कहें तो सिंध का जो क्षेत्र है, सिंध प्रोविंस या सिंध प्रांत भारत में आया करता था। ठीक, इसी सिंध के पास एक देवल बंदरगाह था, यहां पर एक देवल बंदरगाह था, देवल बंदरगाह। क्लियर है? चीजों को जो चीजें मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से समझिए पहले। ठीक, मैंने क्या बताया, भारत में एक सिंध प्रोविंस, सिंध प्रांत का क्या आपको एक देवल बंदरगाह, देवल पोर्ट। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में एक सबसे सर्वोच्च पद होता है खलीफा का, जो धर्म गुरु के रूप में जाने जाते हैं। उन खलीफा के लिए, सभी देशों से जो देश इनको मानते थे उन देशों के द्वारा उपहार भेजे जाते थे। वहीं कहा जाता है कि श्रीलंका से भी, श्रीलंका के राजा के द्वारा भी उपहार भेजे जाते थे खलीफा को, और श्रीलंका से जो नाव अरब जाती थी वह नाव इस देवल बंदरगाह के पास लूट ली जाती थी, जब खलीफा के द्वारा सिंध के राजा दाहिर को यह संदेश भिजवाया जाता है कि आप अपने क्षेत्र में हो रही लूटपाट को रोकिए, तो यहां पर सिंध का राजा दाहिर कहता है कि देवल बंदरगाह में हमने कोई लूटपाट नहीं करवाई है, यानी वह साफ साफ मना कर देता है। और यहीं से कहानी शुरू होती है कि जो अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, याद रखिए नाम, मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है, वो एक तरह का दंड देने के लिए यहां पर आता है। तो याद रखेंगे यहां पर कि 712 ईस्वी में सबसे पहला
अरब आक्रमण हुआ। सबसे पहला अरब आक्रमण हुआ और अरब आक्रमणकारियों में भारत में या सिंध में जिसने आक्रमण किया वह था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, क्लियर है? तो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ क्योंकि जैसे मैंने बताया यहां पर सिंध का राजा कौन है, दाहिर। दाहिर का मोहम्मद बिन कासिम के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें दाहिर पराजित हुआ। दाहिर पराजित हुआ और मोहम्मद बिन कासिम विजय हुआ, इसकी जीत हुई क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण कर रहा है। तो यह यहां पर एक उद्देश्य के साथ आया है कि इस्लाम का प्रचार करना है, इस्लाम का प्रचार करना है और इस्लाम का प्रचार करने के साथ साथ धन दौलत लूटना, यह भी इसका एक उद्देश्य था। तो यहां पर मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध प्रोविंस पर प्रांत पर आक्रमण करता है तो यहां पर हमें यह देखने मिलता है कि राजा दाहिर को पराजित करने के पश्चात यहां पर जो गैर हिंदू रहा करते थे, गैर मुसलमान रहा करते थे, उन पर इसने जजिया कर लगाया। याद रखिए, गैर मुसलमानों से जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे एक वसूला जाने वाला कर था, वह कर था जजिया कर। याद रखेंगे, जजिया कर, जजिया कर नॉन मुस्लिम्स, गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर, गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर जजिया कर। और जजिया कर में उस समय, जजिया कर में उस समय जब यह लगा तो ब्राह्मणों से यह कर नहीं लिया जाता था। याद रखना अभी इस पॉइंट को आगे चलकर, क्योंकि ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला जाएगा, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि अभी ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला नहीं जा रहा है, ठीक? क्योंकि ब्राह्मण को माना जाता था कि वो भिक्षा मांगकर अपने जीवन यापन करते हैं तो टैक्स कहां से देंगे। इसी कारण से शुरुआती दौर में मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया, यानी हिंदुओं पर लगाया, परंतु उसमें ब्राह्मणों को छूट दी गई थी। क्लियर है? इस पॉइंट को ध्यान रखना। चलिए, तो यह हुआ आपका अरब आक्रमण और पहला अरब आक्रमणकारी आया कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कब आया? 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी, ठीक है? चलिए, अब हम देखते हैं कि भारत में जो तुर्की आक्रमणकारी आए, तुर्की आक्रमणकारी, उसमें सबसे पहले थे मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी, गजनवी। इसके समय काल की अगर मैं बात करूं तो 998 ईस्वी से लेकर 1130 तक यह भारत पर आक्रमण करता है। मोहम्मद गजनवी अफगानिस्तान के पास गजनी नाम के एक छोटे से जगह से बिलोंग करता था और इसके अगर वंश की बात करूं तो यह यामिनी वंश से आता था। यामिनी वंश, यह अगर इसके पिता के अगर हम देखें, पिता को अगर हम देखें तो इनके पिता का नाम था सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन, याद रखिएगा, गजनी का यह शासक है और गजनी में सबसे पहले जो शासक हुए उनका नाम था अल्पतगिन। अल्पतगिन, अल्पतगिन के बाद आया था सुबुक्तगिन, सुबुक्तगिन, और सुबुक्तगिन के पश्चात हमें देखने मिले महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, इनका शासन यहां पर था। क्लियर है? ध्यान समझते जाइए। तुर्की आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी की हम बात कर रहे हैं, ये गजनी नाम के एक छोटे से स्थान से बिलोंग करता था। अल्पतगिन इसके दादा हुए, उसके बाद सुबुक्तगिन हमें देखने मिले, उसके बाद महमूद गजनवी का शासन हुआ वहां। क्लियर है? ठीक, चलिए। अब यहां पर महमूद गजनवी जो है इसके द्वारा
जब भारत पर आक्रमण करना था, भारत पर आक्रमण, क्योंकि भारत की मैंने बताया सोने चांदी, सोने की चिड़िया, खनिज संपदा, बहुत सारी चीजें यहां पर ऐसी थी जिसके कारण विदेशी यहां पर आकर्षित होते थे। इसी क्रम में महमूद गजनवी जो है भारत पर आक्रमण करता है। भारत में जब इसका आक्रमण होता है तो सबसे पहले इसका युद्ध जयपाल से होता है। जयपाल से याद रखिएगा, 1000 ईस्वी में इसने सबसे पहला आक्रमण किया और जयपाल को पराजित किया। इसके अलावा 1008-09 में इसने फिर आक्रमण किया और जयपाल के पुत्र आनंदपाल को पराजित किया। ये दोनों जो शासक है, जयपाल और आनंदपाल, पंजाब के निकट एक क्षेत्र के राजा थे और उस क्षेत्र का पास एक जगह था जिसका नाम था वहिंद। इसी कारण से आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच जो युद्ध हुआ उसे हम कहते हैं वहिंद का युद्ध। तो वहिंद के युद्ध में कौन पराजित हो गया? आनंदपाल पराजित हो गया। क्लियर है? तो दो लोगों को किसी ने हरा दिया, ठीक। चलिए अगला और सबसे इंपॉर्टेंट जो अटैक, इसका आक्रमण होता है, वह होता है 1025 ईस्वी में इसने अपना 16वां आक्रमण किया। और यह 16वां आक्रमण सोमनाथ गुजरात में। तो 16वां आक्रमण इसका था सोमनाथ मंदिर पर गुजरात, ठीक। तो इसने इसे भारी लूटा, सोमनाथ मंदिर को बहुत लूटा, ठीक। अब लूटने के पश्चात जब ये वापस गया तो जब ये अपना अंतिम आक्रमण करने, यानी 17वां आक्रमण करने जब 1026 में आया, 1026 में फिर वापस आया, तब यह खोखड़ जाति के द्वारा पराजित हुआ, ठीक। इस प्रकार कहा जाता है कि महमूद गजनवी जो है जी एक ऐसा शासक हुआ जिसने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए। यह पॉइंट आपको याद रखना, जिसको आपको पूछा जाता है, महमूद गजनवी ने कुल 17 बार आक्रमण किए, 17 बार भारत को लूटा था, 17 बार आक्रमण किए, ठीक। यहां तक चीजें क्लियर है? और इसकी मृत्यु भी जल्द हो जाती है 17वें आक्रमण के पश्चात। और इसकी मृत्यु की अगर बात करें तो यह 1030 ईस्वी में इसकी हो जाती है मृत्यु। डन। अब यहां पर हमें देखने मिलता है, ये जब महमूद गजनवी यहां अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो आक्रमण करने का एक उद्देश्य था कि इस्लाम का प्रचार करना और धन दौलत लूटना, दो ही उद्देश्य इनके चल रहे। इन्हीं उद्देश्य में हमें नजर आया कि महमूद गजनवी जो है जब यहां आक्रमण करता था तो इस्लाम में मूर्ति पूजा ना होने के कारण या यहां पर मूर्तियों को भी तोड़ता था। इस कारण से इसे बुत सिकन और मूर्ति भंजक कहा गया। क्या कहा गया? बुत सिकन और मूर्ति भंजक भी कहा गया। इसके समय में अल बरूनी ने किताब
उल हिंद लिखी, किताब उल हिंद लिखी अलबरूनी ने, क्लियर है, याद रखेंगे किताब उल हिंद। और साथ ही साथ इसका एक दरबारी उतबी, उतबी की एक रचना है जिसे आपको याद रखना है, वह है किताब उल यामिनी। ये दो पुस्तकें आपको याद रखनी है, किताब उल यामिनी, ठीक। तो सबसे पहले हमने एक तुर्की इन्वेडर, तुर्की शासक के बारे में जाना, वह है महमूद गजनवी। इसके बारे में आपको पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। एक बेसिक चीजें कि भाई जो आपके अरब आक्रमणकारी आए, उन अरब आक्रमणकारियों के बाद जो यहां पर पहले तुर्की आक्रमण हुए उसमें कौन था, तो महमूद गजनवी 17 बार 17 टाइम्स आक्रमण करने वाला शासक राजा, क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक। चलिए तो यहां पर ये आप देख सक रहे हैं सोमनाथ मंदिर, इसी सोमनाथ मंदिर को कहा जाता है इसने अपने 16 आक्रमण में यहां पर लूटा था। याद रखिएगा एक और बिंदु, यहां पर एक और पॉइंट याद रख सकते हो, इस समय यहां पर सोलंकी वंश का शासन था गुजरात में, जब गजनवी का आक्रमण हुआ सोलंकी वंश का शासन था, और सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम ने उस समय गजनवी से रक्षा करने की कोशिश की, परंतु यह पराजित हुआ था, क्लियर है। यहां पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, ठीक। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन, चचनामा के अनुसार छठवीं और सातवीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी, और उसके अनुसार आपको बतानी ही चीजें। तो यहां पर कहा गया है महमूद गजनी ने भारत पर बार बार आक्रमण किए, बार बार, ठीक। कारण यह था कि वो भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। अभी आपको मैंने बताया कि जो महमूद गजनवी है जो आक्रमण कर रहा है वह यहां पर इस्लाम का प्रचार करना चाह रहा है और धन दौलत लूटना चाह रहा है, परंतु किसी प्रकार से स्थायी साम्राज्य बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, या आ रहा है लूटपाट कर रहा है जा रहा है, लूटपाट कर रहा है जा रहा है, बस यही चीज है। तो बार बार लूटपाट तो किया उसने, बार बार आक्रमण तो किया इसने, परंतु स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना वह नहीं करना चाहता था, उसका उद्देश्य नहीं था, वह लूट के अपने क्षेत्र को समृद्ध करना चाहता था, गजनी को आगे बढ़ाना चाहता था, वो भारत के लिए नहीं आया, ठीक। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है, कथन ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। ये ऐसे जो प्रश्न है, मैं बार बार आपको कुछ चीजें बता रहा हूं कि आगे जो प्रश्न आने वाले हैं, आगे मतलब जब संभावित सीजीपीएससी की जब आपको पेपर देखे मिलेंगे तो कुछ ऐसे ही कूट वाले प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। कूट वाले प्रश्न में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, और पूरी जानकारी अगर नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे, चीजें समझ में आ रही है। और टॉप एमसीक्यू सीरीज का हमारा जो मकसद है, मैंने आपको बार बार बताया कि आपको क्वेश्चन के अनुसार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ आपको संपूर्ण सिलेबस कराना ही हमारा उद्देश्य है। इसी कारण से हम लोग अरब आक्रमण जा रहे हैं, तुर्की आक्रमण जा रहे हैं, कौन शासक कौन राजा, सब चीजों को समझते चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पर महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो यहां पर अभी आपको मैंने बताया था कि इसका दरबारी इतिहासकार महमूद गजनवी का वह था उतबी, और उतबी की एक रचना भी मैंने बताई थी किताब उल यामिनी, इसे भी आप याद रखें। इसके अलावा फिरदौसी की भी एक रचना है शाहनामा, इसे भी याद रखेंगे, फिरदौसी की रचना शाहनामा, ठीक। क्या आप बता सकते हैं हसन निजामी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये हसन निजामी की पुस्तक का नाम क्या है, हसन निजामी, चंद्र बरदाई,
ये आगे चलकर अभी हम पढ़ेंगे चंदर बर्दाई के बारे में, परंतु आप ये हसन निजामी के बारे में जरूर बताइएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला प्रथम मुसलमान कौन था, ठीक। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन है अबुल फजल अब्दुल कादिर बादायनी अलबरूनी दारासी को, ठीक। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा अलबरूनी किताबी हिंद लिखने वाला एक ऐसा लेखक था जिसने भारत में आकर, जब गजनी के साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ इसका भारत आगमन हुआ था, तब भारत में आने के पश्चात इसने भारत के ग्रंथों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, यहां की संस्कृति को जानने का प्रयास किया। और यही अलबरूनी बताता है कि भारत में तुर्की क्यों सफल हुए, भारत में ये तुर्की क्यों सफल हुए, उसका यह कारण इसने बताया था किताबुल हिंद में कि जब मैं यहां पर देखता हूं कि भारत में क्षत्रियों को एक अधिकार दिया गया, वो क्या दिया है, सुरक्षा का, और क्षत्रिय जब लड़ने जाते हैं तो उनके साथ कोई अन्य वर्ग के लोग या समाज के अन्य वर्ग के लोग नहीं जुड़ते, क्योंकि भारत में क्या है, सामाजिक असमानता है। याद है ना, वैदिक काल में हमने पढ़ा था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये इसी विभाजन के कारण यहां पर समानता नजर नहीं आती। और तुर्की लोगों में, जो तुर्की आक्रमणकारी हमारे भारत में जो आक्रमण कर रहे हैं और बार बार लूट कर जा रहे हैं, उनकी सफलता का कारण यह है कि वो एक कबीले के रूप में है, और कबीला क्या होता है, एक समान भाव के साथ, समान उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है, और इसी समान उद्देश्य के कारण ये भारत में क्या हो जा रहे हैं, जीत पा रहे हैं। समझ रहे चीजों को, ठीक। ये अलबरूनी इतनी सारी चीजें बताया है भारत के बारे में। चलिए एक और प्रश्न है अलबरूनी संबंधित। अलबरूनी एक धर्मनिष्ठ लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि वह भारत से प्रभावित था, संस्कृत की जानकारी भी रखता था, त्रिकोणमिति को भी वो समझता था, परंतु वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, ठीक है, सही नहीं है कह रहा है, मतलब ये असत्य की बात कह रहा है। ये लाइन को ध्यान से देखिए आप, सही है नहीं पूछ रहा है, सही है नहीं पूछ रहा है, सही नहीं है, और सही नहीं है कभी अगर आपको दे तो उसका मतलब क्या होता है, असत्य कथन, असत्य कथन की जांच है। और आपको कभी ऐसा पूछे असत्य नहीं है बताइए, असत्य नहीं है बताइए, तब आप बताएंगे सत्य कौन सा है, यह पूछने का पैटर्न है। अभी जो नवीन पैटर्न चल रहे हैं वो इसी पैटर्न में आ रहे हैं, प्रश्न क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक। हम लोग प्रश्न भी देखते जा रहे हैं, अभी कहानी हम लोग आगे बढ़ाएंगे और चीजों को समझेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर अगला आपको नाम देखने मिल रहा है, दूसरा तुर्की इन्वेडर वह था मोहम्मद गौरी। अभी हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। यहां पर पूछा है आपको मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले किसे पराजित किया था, तो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भीम द्वितीय को पराजित किया था, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, ठीक। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, ठीक। मोहम्मद गौरी की अगर बात करें तो एक्चुअल में गौरी नहीं है, गौरी नहीं है, यह जो है एक घोर साम्राज्य का शासक है, घोर साम्राज्य का शासक है, यह भी गजनी के पास के एक क्षेत्र से ही आया था। घोर साम्राज्य के होने के कारण इसके सरनेम को जब हम देखते हैं तो इसे बोला जाता था मोहम्मद घोरी, परंतु धीरे धीरे बोलने चलने में इसकी नाम बदल गए और घोरी से एक्चुअल में बन गया गौरी, मोहम्मद गौरी। यह एक ऐसा शासक था जिसके सिक्कों में कहा जाता है, सिक्कों में लक्ष्मी जी का अंकन था। यह एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि किनके सिक्कों में हमें लक्ष्मी जी की आकृति मिलती है। मुस्लिम शासक तो था परंतु इसके सिक्कों में लक्ष्मी जी का अंकन भी मिलता है, ठीक है।
चलिए, तो जैसे हमने जाना कि सबसे पहला इसका आक्रमण हुआ मुल्तान पर, सबसे पहला इसने आक्रमण किया था मुल्तान पर, और मुल्तान के पश्चात इसने 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक भीम सेकंड को इसने पराजित किया। अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, गुजरात में इसमें अटैक तो किया था, परंतु सोलंकी वंश का राजा जो भीम द्वितीय है, ये बहुत शक्तिशाली था, आक्रमण तो कर लिया, बट इस बार भीम द्वितीय पराजित नहीं होगा, इस बात पर थोड़ा ध्यान दिए। 1178 ईस्वी में गुजरात के सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण तो करेगा, परंतु भीम प्रथम की तरह यह पराजित नहीं होने वाला, इस बार भीम द्वितीय मोहम्मद गौरी को पराजित कर देगा, मोहम्मद गौरी हारेगा, ध्यान रखना मोहम्मद गौरी हार जाएगा भीम द्वितीय से। ठीक है, क्लियर है। पहला अटैक मुल्तान पर किया, मुल्तान के बाद गुजरात में गया, गुजरात में भीम द्वितीय को हराने का प्रयास किया इसने, बट भीम द्वितीय नहीं हारा, वह पराजित हो गया भीम द्वितीय से। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना है वो समझिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मोहम्मद गौरी यहां से पराजित होकर जाता है तो बहुत समय तक वापस यहां नहीं आता भारत में। अब भारत में उस समय परिस्थिति क्या थी उसे आप समझिए। भारत में उस समय देखें हम तो इस क्षेत्र में यहां एक वंश का शासन था उत्तर प्रदेश की तरफ, और वो वंश था मौखरी वंश। कन्नौज के क्षेत्र में मौखरी वंश का शासन था, और अगर हम इस तरफ आए, इस तरफ इस क्षेत्र में आए, अगर हम इस क्षेत्र में आते हैं तो दिल्ली और अजमेर में चौहान वंश का शासन था। क्लियर है यहां तक चीजें? इस तरफ आपको क्या मिलेगा? चौहान वंश का शासन। ध्यान से समझिएगा चीजें मैं जो बता रहा हूं। ठीक, इसके अलावा इस मौखरी वंश में अगर हम राजा की अगर हम बात करें तो मौखरी वंश के उस समय राजा थे जिनका नाम था जयचंद, और जयचंद की एक बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता। जयचंद की बेटी का नाम संयोगिता। मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको समझते जाइए, एक कहानी है, ठीक है, जिसको आपको जानना है, क्योंकि यहां पर एक ऐसी घटना होगी जिसके बाद वास्तविक रूप से मुस्लिम सत्ता जो है भारत में स्थापित हो जाएगी। ठीक, चलिए, तो यहां पर जयचंद्र था मौखरी वंश का राजा, और इधर हमें देखने मिलेगा चौहान वंश का एक राजा जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। क्लियर है? इतनी सारी चीजों को दिमाग में बैठा लिया कि भाई अभी चौहान वंश का राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान, और मौखरी वंश का राजा कौन है? जयचंद। अब देखिए, यह वो समय था जब मोहम्मद गौरी इस प्रयास में बैठा है कि मैं दिल्ली की सत्ता को हथिया लूं और दिल्ली पर आक्रमण कर दूं। इस ताक में वो बैठा है आक्रमण करने के लिए, और आक्रमण जब करेगा
तो सबसे पहले उसका सामना होना है किससे? पृथ्वीराज चौहान से। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो भयंकर युद्ध होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध ठीक इतिहास का, अब आप जो बैटल में बताऊंगा, लड़ाइयां बताऊंगा, युद्ध बताऊंगा, उसको याद करना चालू कर देना ठीक है यहीं से। चलिए तो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई होने वाली है तराइन में, जिसे हम कहेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध। तो जानते हैं तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में ठीक। तो यहां पर हमें पहला युद्ध देखने मिला जिसे हम कहेंगे तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध जो होगा वह होगा 1191 में, 1191 में। और यह लड़ाई होगी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक, जब मोहम्मद गौरी यहां पर यह सोच के आता है कि मैं आसानी से पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दूंगा, यह भूल वह पहले भी कर चुका था। उसने गुजरात के शासक को कमजोर सोचा था और वहां हार गया था, वही गलती यहां पर भी कर रहा है। उसने सोचा कि इस चौहान वंश के राजा को, पृथ्वीराज चौहान को, मैं आसानी से हरा दूंगा, परंतु वह इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित हो जाता है ठीक। तो याद रखेंगे यहां पर पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी पराजित होता है। मोहम्मद गौरी पराजित होने के पश्चात उसकी स्थिति यह बन जाती है कि वह पृथ्वीराज चौहान के चरणों में गिर जाता है और माफी मांगता है कि माफ कर दो, मैं अगली बार गलती नहीं करूंगा। और क्योंकि पहले के जो राजा होते थे, क्षत्रिय जो राजा होते थे, उनकी विशेषता थी कि निहत्थे पर वो कभी हथियार नहीं उठाते थे ठीक। निहत्थे पर कभी हथियार नहीं उठाएंगे और युद्ध में जाएंगे तो कभी पराजित होकर नहीं आएंगे, भले अपने सर कटा लेंगे। ये क्षत्रियों की उस समय विशेषता थी। इसी विशेषता के चलते पृथ्वीराज चौहान ने पैरों पर गिरे हुए इस मोहम्मद गौरी को उन्होंने छोड़ दिया, माफ कर दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी। समझ रहे चीजों को ठीक। अब देखिए होता क्या है, समझने वाली बात है। जो तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में जब मोहम्मद गौरी हार गया, ये मोहम्मद गौरी अभी हार गया है, उस समय क्या घटना होती उसे देखिए। अब देखिए इस कहानी पर आइए। तराइन का फर्स्ट युद्ध हो गया, मोहम्मद गौरी हार कर चला गया है। अब पृथ्वीराज चौहान पर फिर देखिए आप। पृथ्वीराज चौहान का उस समय एक दरबारी कवि होता है, दरबारी कवि जिसका नाम होता है चंदर बरदाई ठीक। चंदर बरदाई जो है, इनकी एक रचना होती है, चंदर बरदाई की एक रचना होती है जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो में वो बताएंगे कि कैसे पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी होती है, और उसी प्रेम के चलते संयोगिता को स्वयंवर से उठाकर पृथ्वीराज चौहान ले जाते हैं। तो यहां पर पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का विवाह हो जाता है। अब यहां पर एक बात समझने वाली, ये जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान के हमेशा से खिलाफ रहे और कभी अपनी बेटी संयोगिता का विवाह उनसे नहीं कराना चाहते थे, परंतु यहां पर पृथ्वीराज चौहान ने इनकी पुत्री को ये ले गए। तो ये बात से जयचंद खुश होगा कि दुखी हो गया, ये बताइए। इस बात से जयचंद नाराज होगा, और जयचंद की नाराजगी किसी के लिए अच्छा भी कर गई, किसी के लिए अच्छी बात भी है। और वो किसके लिए अच्छी बात है? मोहम्मद गौरी के लिए, क्योंकि
दुश्मन का दोस्त का दुश्मन, ठीक। यानी यहां पर इनका जो दुश्मन बन रहा है, पृथ्वीराज चौहान का जो दुश्मन बन रहा है वो किसी के लिए दोस्त बन जाएगा, ठीक। तो यहां पर पृथ्वीराज चौहान के अब दो दुश्मन हैं, एक है मोहम्मद गौरी और दूसरा है जयचंद। अब यहां पर मोहम्मद गौरी और जयचंद की सांठ गांठ हो जाएगी और अगला एक युद्ध होगा जिसे हम कहेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो यहां पर आपको अगला एक युद्ध देखने मिलेगा जिसे हम कहेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192, ठीक। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192, क्लियर है। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। और युद्ध किनके किनके बीच हो रहा है 1192 में? गौरी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ठीक। तो यहां पर कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी की सहायता इस बार मौखरी वंश का वही राजा जो चौहान का दुश्मन है वो इससे दोस्ती कर लेता है और घर का भेतिया लंका ढहा है, वही वाला बात है। तो यहां पर घर का भेद यानी पृथ्वीराज चौहान का भेद जयचंद ने इसे बताया और इस बार के युद्ध में मोहम्मद गौरी जो पहले बार में हार गया था, पैरों पर गिरकर माफी मांगा था, वो जीत गया और इस बार पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, पृथ्वीराज चौहान की पराजय, ठीक। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट बैटल हुए, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी ने विजय हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली और दिल्ली के क्षेत्र पर कब्जा उसने कर लिया। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि मोहम्मद गौरी की सहायता जिसे जयचंद ने की थी वह इस बात से खुश था कि यह मोहम्मद गौरी जो है लूटपाट करेगा और वापस चला जाएगा और दिल्ली की सत्ता जयचंद को मिल जाएगी, बट ये नहीं हुआ। जयचंद ने जो सोचा उसके विपरीत अब एक घटना होने वाली है, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो बस एक रास्ता बनाना चाहता था दिल्ली का और दिल्ली का रास्ता बनाकर दे दिया जयचंद ने मदद करके। अब जयचंद से ही वह क्या करेगा, लड़ाई करेगा, जिसे हम कहते हैं चंदावर का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक और लड़ाई, बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर। और ये बैटल ऑफ चंदावर होगा 1194 में। तराइन का फर्स्ट बैटल 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और अब हम देख रहे हैं वो है चंदावर का युद्ध 1194, क्लियर है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ाई होगी और इसमें जयचंद जो है पराजित हो जाएगा, जयचंद जो है पराजित हो जाएगा और मोहम्मद गौरी की जीत होगी, मोहम्मद गौरी की जीत होगी, क्लियर है। तो यहां पर तीन इंपॉर्टेंट बैटल हुए, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध 1191, 1192, 1194। तीनों लड़ाइयों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, साथ ही साथ जो फर्स्ट टाइम इतिहास पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम इतिहास पढ़ रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से कोशिश करिए कि दो दो बिंदु, दो दो पॉइंट यहां पर जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसे लिखिए, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ अगर आप उसे नोट कर लेते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होता, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। क्योंकि मैंने बताया था पिछले कुछ क्लासेस में कि आपको चीजें तभी याद होती हैं
जब आप उसे सुनते हैं और सुनने के साथ साथ नोट भी कर लेते हैं। तो ये कुछ काम अगर आप कर लिए तो आपको आगे के लिए कभी रिवीजन करने के लिए जो नोट्स देखना पड़ता है या पुस्तकें उठानी पड़ती हैं वो नहीं उठानी पड़ेगी, आपको नोट्स उठाना है और पढ़ लेना है। क्योंकि टॉप एमसीक्यू सीरीज में आपको जो करवाया जा रहा है वो करवाया जा रहा है संपूर्ण सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन भी देख रहे हैं और साथ ही साथ सिलेबस को जहां तक हो सके हम आगे भी बढ़ाते चल रहे हैं। ठीक, तो यह हो गया बात किसकी, मोहम्मद गौरी की। और मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराने के पश्चात अब हम यह कह सकते हैं कि दिल्ली का जो क्षेत्र है मोहम्मद गौरी के हाथों में आ गया है। परंतु मोहम्मद गौरी जो है अभी स्थायी रूप से यहां पर शासन नहीं करना चाहता, वह दिल्ली का क्षेत्र जीत तो गया है परंतु स्थायी रूप से शासन नहीं करेगा, वह अपना क्षेत्र जो है अपने गुलामों को सौंप कर चला जाता है, गुलामों को सौंप कर चला जाता है। तो समझे अब आगे क्या होती चीजें। ठीक, चलिए तो मोहम्मद गौरी के चार गुलामों की हमें जानकारी मिलती है, चार गुलामों की। ठीक, इन चार गुलामों में एक गुलाम होता है बंगाल की तरफ, बंगाल की तरफ, जिसका नाम था बख्तियार खलजी, बख्तियार खलजी। एक गुलाम होगा सिंध की तरफ जिसका नाम था कुबाचा, कुबाचा। एक गुलाम गजनी में, एक गुलाम गजनी में। इस गजनी में बैठने वाले गुलाम का नाम था यलदौज, यलदौज। और दिल्ली में और लाहौर में शासन करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक, तो यहां पर शुरू होता है जब हम मोहम्मद गौरी ने अपने चार गुलामों को बैठाया, उसमें चार गुलामों में से विशेष रूप से दिल्ली और लाहौर का जो क्षेत्र है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, गुलाम है, और इसी गुलाम के द्वारा एक गुलाम वंश की शुरुआत होगी और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी, यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी। ध्यान देते जाएंगे, बिल्कुल अब हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली सल्तनत की शुरुआत में। ठीक है, अभी तक हम देख रहे थे पूर्व मध्यकाल, ठीक, जिसे हम लोग प्री मेडाइवल इंडिया भी कहते हैं। ठीक, गुलाम वंश से एक्चुअल में शुरू होता है दिल्ली सल्तनत। अभी तक हम देख रहे थे अरब आक्रमणकारी के बारे में, तुर्की आक्रमण के बारे में देखें, अब हम पहुंचेंगे दिल्ली में। चीजें आपको जहां तक समझ में आ रही होगी, कोई भी आपका प्रश्न हो, कुछ हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको हर शनिवार लाइव के माध्यम से दिया जाएगा। तो आपके कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार के भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक, भारतीय इतिहास से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां पर इसका एक गुलाम है बख्तियार खलजी, जिसके बारे में आपको समझना होगा। बाकी गुलाम फिर हम आगे बढ़ेंगे, गुलाम उसको शुरू करेंगे, उससे पहले बख्तियार खलजी के बारे में जान लीजिए। बख्तियार खलजी जो है, जब ये बंगाल अभियान में गया था, बंगाल अभियान में जब गया था, तो बंगाल अभियान में जाते समय कहा जाता है कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह किया था। नालंदा विश्वविद्यालय याद आ रहा होगा, पिछले क्लास में गुप्त काल में हमने पढ़ा था कुमार गुप्त के द्वारा ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्धों का, बौद्धों के लिए एक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र स्थापित हुआ था, और उस शिक्षा का बड़ा केंद्र क्या था, नालंदा। और इस नालंदा यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन है, बख्तियार खलजी है, बख्तियार खलजी। इसने क्या कर दिया था, नालंदा को ध्वस्त कर दिया था। ठीक, इसके पीछे भी एक कहानी है जिसे मैं आगे चलकर बताऊंगा कि इसने नालंदा को ध्वस्त क्यों किया। क्लियर है, चलिए अब देखिए,
अब यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई मोहम्मद गौरी जो है वापस अपने क्षेत्र चला गया और यहां पर शासन सौंप दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही है। और दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश हो रहा है वह है गुलाम वंश। तो पहले हम जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंशों के बारे में पढ़ना है, वंश के बारे में पढ़ना है, फिर हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश होगा वह होगा गुलाम डायनेस्टी, गुलाम स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, इनका टाइम हमें देखने मिलेगा गुलाम वंश का 1206 से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, टाइम पीरियड आप ध्यान देंगे, यहां से एक प्रश्न बनेगा, मैं अभी आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। गुलाम के बाद हम देखेंगे खिलजी, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। और खिलजी डायनेस्टी का टाइम चलेगा 1290 से 1320 तक, 30-20। तीसरा हमें मिलेगा खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी, और इनका टाइम पीरियड आएगा 1320 से 1414। इसके बाद अगले जो शासक आएंगे, अगला जो वंश आएगा वह होगा सैयद, सैयद वंश। और सैयद वंश हमें देखने मिलेंगे 1414 से 1451 ईस्वी तक। और सबसे लास्ट दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला लोदी वंश, लोदी वंश। और लोदी वंश चलेगा 1451 से 1526 तक, ठीक है, 1526 तक, 1451 से 26। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक है, तो यहां पर इतने पांच वंशों के बारे में हमको जानना है, और पांच ये डायनेस्टीज है, वंश है, उनसे संबंधित हम लोग प्रश्न भी करते चलेंगे और टॉपिक को आगे भी बढ़ाते चलेंगे। डन है यहां तक चीजें? समझ में आ रहे हैं? तो पहला क्या है आपके पास? गुलाम, गुलाम के पास खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी। पहला एक क्वेश्चन जो बनेगा आपसे, क्वेश्चन यही बनेगा कि इसे क्रम में जमाइए, क्रम में जमाइए। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि इसे क्रम में जमाइए। क्लियर यहां तक चीजें? ठीक, अब देखिए यहां पर स्लेव डायनेस्टी में तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी शुरुआत की। ठीक, आपको जो एक क्वेश्चन पूछता है इसमें और कि इसमें सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का था और सबसे छोटा कार्यकाल किस वंश का था। तो यहां पर आप देखेंगे खिलजी जो है, खिलजी वंश सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था, खिलजियों का, खिलजी का कार्यकाल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए था, 1320 से 1290 से 1320 तक। और तुगलक वंश का टाइम पीरियड सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा, लंबा कार्यकाल इनका ही देखने को मिला। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक, खिलजी सबसे छोटे कार्यकाल के लिए और लंबे कार्यकाल के लिए तुगलक, यह भी आपके लिए प्रश्न बनता है। देखिए यहां पर जैसे मैंने आपको बताया है कि संभावित प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, तो यह संभावित प्रश्न ही है, पढ़ते पढ़ते इन चीजों को समझते जाइए। ठीक है, पढ़ रहे हैं टॉपिक को, उसके साथ साथ आपको समझना भी है कि कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे कुछ प्रश्न देख लेते हैं, फिर अपन वापस टॉपिक में फिर आएंगे। देखिए यहां पर बोला है निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम के हिसाब से जमाइए और कूट के हिसाब से सही उत्तर बताइए। बताइए इसमें चंगेज खां पहले आया था, महमूद गजनवी या मोहम्मद अली या तैमूर, चार ऑप्शन है आपके पास, बताइए उसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएंगे महमूद गजनवी। ठीक,
उसके बाद होंगे मोहम्मद अली, उसके बाद आपको दिखेंगे चंगेज खां, और फिर मिलेंगे तैमूर। ठीक, क्योंकि महमूद गजनवी के बाद चंगेज खां और तैमूरों का आक्रमण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 2314 इज करेक्ट आंसर। ठीक, इंग्लिश वालों के लिए भी यहां पर देख ली, ये देखिए ऑप्शन ध्यान से। ठीक, क्वेश्चन हमारा बढ़ते जा रहा है, टॉपिक हम बढ़ाते जा रहे हैं और कुछ कुछ प्रश्न भी करते चल रहे हैं। ठीक है, अगला है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, बिहार का। ठीक, बिहार में अगर बात कर रहा है तो बिहार में है जानना चाह रहा है नालंदा के बारे में, और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जैसे मैंने बताया कि नालंदा पर अटैक किया था वह कौन था, बख्तियार खलजी था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह किया था। और नालंदा कहां पड़ेगा, बिहार में। तो नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह करने वाला बख्तियार खलजी था। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न है। एक कथन है, एक कारण है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, यह कथन हुआ। दूसरा है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो मैंने आपको बताया था अलबरूनी के एक कोट से, एक अलबरूनी का जब मैं जानकारी आपको दे रहा था तो अलबरूनी की पुस्तक से बारे में बताया था कि भारत में तुर्की क्यों सफल हो रहे थे, पॉलिटिकल यूनिटी उस समय नहीं थी, साथ ही साथ समाज में विषमताएं थी, यह चीज देखने को मिली थी। तो यहां पर बताइए भारत में तुर्की आक्रमण क्या हुए, सफल हुए, परंतु उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, यह भी क्या है कारण, यह भी क्या है कहीं कहीं सही बात है कि भाई सफल हुए उसका कारण क्या था, राजनीतिक एकता नहीं होना, राजनीतिक एकता नहीं होना। मतलब हम कह सकते हैं कथन ए सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल होने का कारण क्या है, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं होना। आपने देखा ही कि एक तरफ चौहान था, एक था कन्नौज का मौखरी वंश। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, गुलाम वंश का पृथक शासन कौन था। तो गुलाम वंश का पृथक शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया गुलाम वंश की स्थापना कौन कर रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो यही क्या है इस वंश का प्रथम शासक है, प्रथम शासक। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो लाख बख्श के नाम से लाखों का दान करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक ही था जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। क्लियर है चीजें, ठीक है, चलिए। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, तो यहां पर चार ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से देखिए बताइए कौन सा आंसर होगा, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में बताइए। तो यहां पर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो होती है वो है ऑप्शन नंबर डी कि चौगान या पोलो खेलते समय, चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े के गिरने से इसकी मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और यही उनकी मृत्यु का कारण था। तो जान ले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ चीजें। ठीक, चलिए समझते कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन की अगर हम बात करें तो यह गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन होगा 1206 से 1206 से 1210 ईस्वी तक, 1206 से 1210 ईस्वी तक। जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करेगा तो उसके समय काल में वह तीन महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण करता है जिसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को याद किया जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले अपने गुरु
की याद में जिनका नाम था बख्तियार काकी, अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुब मीनार, बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया, कुतुब मीनार का निर्माण कराया। ठीक, अब समझना क्या है आपको, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक्चुअल में इसने केवल नींव रखी थी, शुरुआत की थी। क्या बोला मैंने, यहां समझिए बातों को। कुतुब मीनार की नींव रखने वाला, नींव रखने वाला कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक है। परंतु कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करने वाला जो है उसका नाम है, जिसने निर्माण को पूरा कराया वह था इल्तुतमिस। क्लियर है, इल्तुतमिस ने क्या किया था, निर्माण को पूरा कराया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, इसकी नींव रखी थी। कंप्लीट कराने वाला इल्तुतमिस था। ठीक है, तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। तो अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्लियर है, यहां पर आप देख सकते हैं कुतुब मीनार है। ठीक, कुतुब मीनार के पास अगर ये आपको दिख रहा हो, यहां पर एक और आपको गुंबद नुमा आकृति नजर आ रही होगी। ये गुंबद नुमा आकृति जो है ये है अलाई दरवाजा। आगे चलकर मैं बताऊंगा अलाई दरवाजा किसने बनाया, बट ये जान लीजिए अभी क्या है अलाई दरवाजा। ठीक, अगला जो निर्माण कुतुब मीनार के प्रांगण में ही यानी दिल्ली के मारौली क्षेत्र में जो निर्माण था वह था कुवत उल इस्लाम मस्जिद। ये आप जो देख रहे हैं पिक्चर, ये इमेज जो आप देख रहे हैं यह है कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। क्लियर है यहां तक चीजें, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, डन। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तो ये जो ढांचा नुमा आकृति जो नजर आ रही है, क्योंकि देखिए उस टाइम का बना हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का, तो वैसा है वैसा आपको अभी नहीं दिखेगा, तो ऐसे ही टूटे फूटे भाग आपको देखने मिलते हैं। इसके अलावा इस पिलर को आप ध्यान से देखिए, कोई बता सकते हैं पिलर कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि पिलर कौन सा है भाई। ये वाला जो पिलर आपको देखने मिल रहा है ये पिलर कौन सा है, तो ये पिलर है आयरन पिलर, जहां से हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के राजा की जानकारी मिली थी। और मैंने बताया भी था कि आयरन पिलर जो है ये लौह स्तंभ, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ध्यान से देखिए, ये आयरन पिलर जो है ये लौह स्तंभ जो है, ठीक है, इसमें आज तक जंग नहीं लगा, आज तक जंग नहीं लगा, ये इसकी खासियत है। ठीक है, चलिए अगला जो इनका निर्माण है वह है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये वाला जो पिक्चर इमेज आप देख रहे हैं यह है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद। ये भी एक मस्जिद है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये मिलेगा आपको अजमेर में। ये कहां है, अजमेर में। ठीक है, ये मिलेगा अजमेर में। क्लियर है यहां तक चीजें। अब यहां पर देखिए ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इसके पहले यहां पर एक संस्कृत विद्यालय हुआ करती थी, संस्कृत विद्यालय, जिसका निर्माण चौहान वंश के राजा विग्रहराज ने कराया था। याद रखेंगे बिंदु को भी आप, है ना, जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूं वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो भी पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं वहां से क्वेश्चन बनते हैं।
क्या बोला मैंने कि यहां पर क्या था, एक संस्कृत विद्यालय था और संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया था चौहान वंश के राजा विग्रहराज ने, विग्रहराज ने, और उसी संस्कृत विद्यालय के ऊपर उसे तोड़कर यहां पर यह अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाई गई। क्लियर है? आज भी अगर आप जाते हैं तो वहां पर संस्कृत के श्लोक लिखे मिलते हैं। तो यह प्रश्न आपको पूछ सकता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसके द्वारा बनाएगी। ठीक है, तो यह हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, 1210 में पोलो या चौगान खेलते समय उसकी डेथ हो जाएगी। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक भी हुआ। यहां छोटा सा आपको करेक्शन करना है, जयचंद वाले पॉइंट में, जयचंद वाले पॉइंट में ये जयचंद जो है ये मौखरी वंश का राजा नहीं है। ठीक है, इसका वंश यहां पर हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये जो जयचंद था, जयचंद ये गहड़वाल वंश, गहड़वाल वंश का राजा था, इसको ध्यान रखिएगा। कभी अगर आपको पूछे जयचंद जो है कन्नौज के गहड़वाल वंश का, मौखरी नहीं गहड़वाल वंश का राजा था, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, ये पहले जो हम पढ़े थे तराइन के युद्ध के बारे में, उस तराइन के प्रथम युद्ध से संबंधित है, ध्यान रखना तराइन के प्रथम युद्ध से संबंधित है जो मैंने बताया था, उसे थोड़ा आप प्रीवियस जाकर चीजों को, अगर किसी ने लिख लिया होगा पॉइंट को तो यहां पर इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कहां तक हम प्रश्न देख लिए हैं उसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक, क्लियर है? यहां तक हमने देखा था चौगान कीड़ा खेलते समय इनकी डेथ हो गई थी। ठीक, तो यहां तक हम क्या देख लिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हमने कर ली है और गुलाम वंश के पहले राजा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लिया है। ठीक, इसके बाद अगला जो हम देखेंगे अगली क्लास में कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला राजा कौन आया और आगे कैसे दिल्ली सल्तनत में अलग अलग राजा यहां पर शासन करेंगे, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आपको कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूं, उन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक प्रश्न है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन से राजा ने प्रथम अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, इसके बारे में आप बताएंगे। ठीक, ध्यान से देख लीजिए। एक प्रश्न का और आपको जवाब देना है कि मध्यकालीन भारत में पहली महिला शासिका कौन थी, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करूंगा और बताऊंगा कि महिला शासिका कौन थी और कैसे दिल्ली सल्तनत आगे बढ़ा। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तुगलक के बारे में, तुगलक के साथ साथ खिलजी के बारे में जानेंगे और लोधी तक हम ले जाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ यह वीडियो में समाप्त करता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।